आजकल युवाओं को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मोबाइल की लत लग गई है। बहुत हद तक इसके जिम्मेदार माता पिता ही होते हैं। जब भी बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता तो उसे चुप कराने के लिए माता पिता उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। लेकिन कई रिसर्च से इस बात का खुलासा हो चुका है कि मोबाइल की लत बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि कम उम्र में बच्चों को फ़ोन थमाने से उसका मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इससे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। जानते हैं कि आखिर क्या है वर्चुअल ऑटिज्म और इससे बच्चों को कैसे बचाएं। जानिए क्या है वर्चुअल ऑटिज्म। स्मार्टफोन, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चों में कई लक्षण दिखाई देते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म का ज़्यादा असर अक्सर 4 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। मोबाइल फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत की वजह से ऐसा होता है। स्मार्टफोन से ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में बोलने और समाज से दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कंडीशन में ही वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण। बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षणों की बात करें तो निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। हर थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन, रिस्पॉन्स ना करना, 2 साल के बाद भी बोल ना पाना, फैमिली मेंबर्स को ना पहचानना, नाम पुकारने पर अनसुना करना, फैमिली मेंबर्स को ना पहचानना, किसी से नज़रें ना मिलाना, एक ही एक्टिविटी को दोहराना। वर्चुअल ऑटिज्म से कैसे बचें? पेरेंट्स को बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना चाहिए। गैजेट्स का 0 एक्सपोजर बच्चों में रखना चाहिए, मतलब उन्हें पूरी तरह इससे दूर रखना चाहिए। अक्सर जब छोटा बच्चा होता है तो उसे पेरेंट्स उनके पास बिठाकर मोबाइल फ़ोन दिखाते हैं, बाद में बच्चों को इसकी लत लग जाती है। पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देना बंद करना होगा। उसका स्क्रीन टाइम 0 करने पर जोर देना चाहिए। उसका फोकस बाकी चीज़ों पर लगाएं। स्लीप पैटर्न भी दुरुस्त करें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।